हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक सेट रिपेयर के लिए आया हुआ है, जो कि गाइज बिल्कुल ही डेड कंडीशन में मेरे पास यहाँ पे सेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है। जैसा कि गाइज आपको मालूम है कि ज़्यादातर मेरे पास यहाँ पे डेड सेट ही रिपेयर के लिए आते हैं, और जो भी चीज़ें गाइज होती है वो बिल्कुल ही लाइव में आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। गाइज देखो फ्रेंड, ये जो सेट डेड में आया हुआ है, ये सेट ऑन नहीं हो पा रहा है, सारी चीज़ें ओके है। जब इसको गाइज हम डीसी मशीन के ऊपर लगाते हैं, तो इसकी जो फैक्चुलेट है, इसकी जो एम्पेयर की रीडिंग है, वो 26, 25 या इस तरीके की जो रीडिंग है वो फ्लैक्चुलेट हो रही है। मैंने कोई भी पावर बटन प्रेस नहीं करता हूँ, जैसे मैं इनकी जो ये बूट केबल है जैसे ही लगाता हूँ, वैसे इनकी जो फैक्चुलेट रीडिंग हो रही है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके की रीडिंग हो रही है। तो गाइज इसलिए मैंने सोचा ये जो वीडियो है वो आपके लिए बना दिया जाए। ठीक है गाइज, तो चलो सबसे पहले जो इनका जो बूट केबल है वो मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। कोई भी बिना बटन प्रेस किए हुए इनकी जो रीडिंग है वो ऑटो फैक्चुलेट हो रही है गाइज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपली जो है वो हमारा बूट केबल है, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, चलते हैं अभी अपने लैपटॉप इसके ऊपर। यहाँ पे हमारी ये डीसी मशीन है, मैं एक बार यहाँ पे सही से कर लेता हूँ, अभी आपको सही से दिख रहा होगा, एक बार अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है सिंपली इनकी बैटरी को हम बाहर निकाल देते हैं। देखो भाई, इस बैटरी मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया है, और बाहर निकालने के बाद यहाँ पे सिंपली इनका जो बूट केबल है वो इसके अंदर डायरेक्टली हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे साउंड सुन सकते हो, किस तरीके की जो रीडिंग है वो एम्पेयर है, वो डीसी मशीन पर क्या एम्पेयर इनकी रीडिंग हो रही है देख सकते हो। इनकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो साउंड भी सुन सकते हो, काफ़ी फैक्चुलेट हो रही है, और ये एम्पेयर जो है वो हमारा फैक्चुलेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, देख सकते हो, कोई भी पार्ट्स हमारा, कोई भी चीज़ यहाँ पर हिटिंग नहीं हो रही है। आप साउंड सुन सकते हो गाइज, देख सकते हो डीसी मशीन किस तरीके से। देखो जैसा मैंने इसको निकाला, यहाँ पे साउंड रुक गया, और जो हमारी एम्पेयर की रीडिंग वेरिएशन हो रही थी वो भी रुक गई। एक बार फिर से यहाँ पे लगाते हैं बूट केबल, फिर से गाइस यहाँ पे देखो किस तरीके की ये रीडिंग हो रही है गाइस। ठीक है, तो इसी तरीके की रीडिंग इसको लगाते हैं, तो इसी तरीके की रीडिंग हो रही है इसके ऊपर, और सेट हमारा कंप्लीट डेड है। ठीक है, तो चलो एक बार इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि फ़ोन के अंदर कोई शॉर्टिंग है कि नहीं, क्योंकि गाइस शॉर्टिंग जो है वो फ़ोन के अंदर नहीं दिखा रहे ऊपर कंडीशन में, जहाँ तक कि मैंने इसको फिलहाल चेक किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया हुआ, ये जो केन वगैरह वही मैंने ही इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डीसी मशीन, सॉरी यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर है, तो इसको डीसी वोल्ट मतलब डीसी के ऊपर हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और बैटरी कितनी चार्ज है पहले उसको एक बार हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी बैटरी चार्ज कितनी है तो उसको एक बार पहले हम यहाँ पे कन्फर्म कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे बैटरी आप देख सकते हो 3.9 वोल्टेज चार्ज है, इतने में जो सेट है गाइज वो अब कम्प्लीटली ऑन हो जाना चाहिए था। जो ये चार्जिंग है, जितनी इसके अंदर बैटरी के अंदर चार्ज है उतने में सेट हमारा कंप्लीट ऑन हो जाना चाहिए था गाइज। ठीक है, देखो यहाँ पे सेट चालू नहीं हो पा रहा है, तो गाइज अभी हम चलते हैं यहाँ पे। देखो बीप का यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, बीप भी है, डायोड मोड भी है, ओम्स मोड भी है, और हमारा कैपेसिटर मोड भी है यहाँ पे देख सकते हो ये वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे रेंज को हम सिलेक्ट कर देते हैं, ये हमारा अभी बीप मोड है जो कि मैंने मल्टीमीटर में सेलेक्ट किया हुआ है। और एक बार हम सिंपली क्या करते हैं, इनके बैटरी कनेक्टर पे इनकी रीडिंग को चेक कर लेते हैं। देखो गाइज अभी हम इनके रिवर्स वाइज में चेक कर रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव लाइन है जिस पर मैंने नेगेटिव वाला पॉइंट जो प्रॉप लगाया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी मतलब कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये बीप मोड में। अभी देखो ये ग्राउंड हमारा, तो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है गाइज, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से अगर इनकी पावर मतलब ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव टच करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रही है, और ये हमारा ग्राउंड। ठीक है, तो खैर ये हमारा बजर मोड पे था, तो एक बार इसको डायोड मोड पे कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो गाइस अभी ये डायोड मोड पे आ चुका है हमारा मल्टीमीटर, तो एक बार देखो ये ग्राउंड है हमारा जो कि मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये 0001 आ चुका है, और ये इनकी पॉजिटिव लाइन है। अगर इस पे चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो कोई भी शॉर्टिंग नहीं, हमारा 2000 समथिंग उनके ऊपर रीडिंग आ रही है, मतलब डिवाइस के अंदर कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग फोन के अंदर बिल्कुल भी बैटरी कनेक्टर पर नहीं है। अभी मैं सीधा एक बार आपको नेटवर्क सेक्शन के ऊपर भी सीधा चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये 2G वाली PF लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हो 2000 के समथिंग ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और बगल में साइड में टच करता हूं तो देखो ये हमारा ग्राउंड है जो कि 001 यहां पे शो हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ये फोन के अंदर डिवाइस के अंदर शॉर्टिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बट फिर भी जो हमारा जो डीसी मशीन है उनकी जो एम्पेयर वो फैक्चुलेट हो रही है, एम्पेयर रीडिंग कम बेस हो रही है, और डीसी मशीन की जो साउंड है वो भी आपको सुनने को मिल रहा होगा गाइस। ठीक है, तो खैर चलो अभी जो है सेट को एक बार कंप्लीटली यहां से हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, और आपको मैं एक बार मदरबोर्ड दिखा देता हूं।
देखो गाइस, मदरबोर्ड में दिखाता हूँ, यहाँ पे फिलहाल किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ है। मदरबोर्ड अपने तरीके से पूरी तरीके से पैक कंडीशन में है। तो गाइस अभी क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला कैन है इसको ओपन कर देते हैं और ये साइड की जो कैन है इसको भी ओपन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी डी सी टू डी सी आई सी है। तो फटाफट यहाँ से जो कैन है इनको हम पहले ओपन कर लेते हैं और बाद में इनकी जो मतलब कैन ओपन करने के बाद इनकी आगे की लाइन जो है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो मदरबोर्ड है का ऊपर का जो कैन होता है उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है और इस साइड भी मैंने रिमूव कर दिया, जो कि हमारी यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है, और इधर भी मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया गाइस, ठीक है। तो खैर चलो, एक बार अपना जो मल्टीमीटर है उसको बीप मोड पे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये बीप मोड पे हमारा मल्टीमीटर सेलेक्ट हो चुका है और एक बार एक एक करके सारे कैपेसिटर को चेक करेंगे, क्योंकि गाइस जो डीसी मशीन के ऊपर हमारी जो रीडिंग है जो कि ऑटो कंज्यूम हो रहा है, इस कंडीशन में सेट के अंदर कहीं ना कहीं जरूर शॉर्टिंग होगा गाइस, क्योंकि रीडिंग हमारी ऑटो फैक्चुलेट हो रही है। तो इसके लिए गाइस हम सिंपली यहाँ पे रेट पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं इस साइड और सिंपली हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप मल्टीमीटर पे देखते रहिए, वैसे साउंड सुनने को आपको मिलेगा। तो एक एक करके पहले हम चलते हैं यहाँ पे डीसी मशीन के साइड के ऊपर, यहाँ पे इस साइड में पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो गाइस, एक साइड बीप आ रही है, दूसरे साइड भी चेक कर रहे तो यहाँ पर भी बीप आ रही है। आप देख सकते हो गाइस, दोनों साइड यहाँ पे बीप देखने को मिल रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, देखो ये भी बीप आ रही है और इधर भी, इधर देखो गाइस यहाँ पे बीप नहीं आ रही है, ठीक है। बगल में इस पर चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर बीप आ रही है, और इधर से चेक कर लेते हैं, देखो इधर बीप यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। कोई बात नहीं है, आगे चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ बीप आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बीप नहीं आ रही है, यहाँ पर भी बीप नहीं आ रही है। देखो ये जो कैप है, एक कैप जो यहाँ पे दिख रहा है, देखो बीप आ रही है साइड में, इधर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी बीप आ रही है। मतलब गाइस ये जो एक कैप है वो यहाँ पे ये जो है वो शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो खैर इसको अभी बाहर नहीं निकालेंगे, हम सिंपली चलते हैं इस साइड जो कि मेन मदरबोर्ड के ऊपर, इस साइड हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर भी कोई कैपेसिटर वगैरह को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं हम। देखो एक साइड रीडिंग हमारी बीप आ रही है, इधर भी बीप आ रही है, देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टिंग हमारा आ रहा है, ये इधर भी बीप आ रहा है, इधर भी बीप आ रहा है, देख सकते हो इधर भी बीप आ रही है और इधर भी बीप आ रही है गाइस। मतलब जो हमारी जो जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी शॉर्ट आ रहा है, यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं आ रही है, ये भी शॉर्ट नहीं आ रहा, देखो गाइस ये भी जो है वो हमारा शॉर्ट यहाँ पे देखने को गाइस मिल रहा है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो गाइस इसके अंदर मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं कोई चीज़ शॉर्ट है, जो कि गाइस ऑटो जो रीडिंग हमारी फैक्चुलेट हो रही है, इसका मतलब गाइस फोन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है और ये जो डिवाइस है वो शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। जो कि हमारी देख सकते हो पावर से आउट हो रही है, वो लाइन यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है, जो कि नेटवर्क सेक्शन हमारी जो वी वेट की लाइन है, जो हमारी वी वेट की लाइन है वो शॉर्ट नहीं है, और जस्ट इसके अगर डीसी टू डीसी जो हमारी आउट लाइन होती है वहाँ से भी ये जो शॉर्ट है दिखा रहा है, यहाँ पर भी ये भी जो है ये कैप यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है गाइस, ठीक है। इसको मतलब क्या करते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए गाइस शॉर्टिंग कौन सी चीज़ है, तो उसके लिए आपको तो गाइस मालूम ही है कि कौन सी चीज़ हमें अप्लाई करनी होगी यहाँ पे। तो फटाफट यहाँ पे हम रोजिन पेस्ट को अप्लाई करते हैं और उसके बाद इस पर अपने जो वोल्टेज है जो कि 4 वोल्टेज 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर 5 वोल्टेज वो यहाँ पर देखे, देखते कौन सी चीज़ हमारी मेल्ट हो रही है, कौन सी चीज़ हमारी शॉर्टिंग है गाइस, ठीक है। तो चलो एक बार ये करके हम देख लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड, यहाँ पे गाइस हमने जो है रोजिन पेस्ट अप्लाई कर दिया है पूरी तरीके से, इस साइड भी और यहाँ पर भी, ठीक है गाइस। तो अभी सिंपली क्या करते हैं, ये ग्राउंड को यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। अटैच करने के बाद यहाँ पे हम चिमटे के मदद से जो हमारी आउटलाइन शॉर्ट दिखा रही है उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये कैप था, एक बार ये जो कैप है यहाँ पर, जो कैपेसिटर है इस पर हम टच करते हैं, ठीक है। इस साइड चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पे वो मेल्ट नहीं हुई है, कोई बात नहीं है। बैक साइड फिर से चलते हैं यहाँ पे, तो गाइस जैसे मैंने इसको किया तो यहाँ पे जो है वो कोई भी चीज़, देखो गाइस देखो जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखो एक कैप हमारा मेल्ट हो गया, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे,
ये कम्प्लीटली आपको दिख रहा होगा। देखो गाइज यहाँ पे एक कैप हमारा मेल्ट हो गया। अभी आप देखो, देखो गाइज रोज इन पेस्ट मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार यहाँ पे क्या होता है कि ईजी वे में इनकी जो प्रॉब्लम है वो फाइंड आपकी हो जाती है। देखो यहाँ पे, ये देखो ये कैप हमारा यहाँ पे मेल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको कन्फर्म आइडिया मिल चुका है कि ये जो कैप है वो शॉर्ट है आपका। तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। बाहर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इसको बाहर पहले, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो कैप है इसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया और इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। इसको एक बार बीप मोड पे मैंने ऑलरेडी जो है अपने मल्टीमीटर को सेट किया हुआ है, तो इसी कंडीशन पे एक बार जो है हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इस तरीके से चेक कर लेता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे ये शॉर्ट देख सकते हो, साउंड आपको सुनने को मिल रहा होगा। देखो गाइस ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग अब क्या हुई, यहाँ से इनकी शॉर्टिंग चली गई है, ठीक है गाइस। तो गाइज आपने देखा है फ्रेंड कि इसके अंदर शॉर्टिंग थी फ़ोन के अंदर, और शॉर्टिंग फिलहाल अभी निकल गई है, ठीक है। तो अभी क्या है गाइज, इस सेट को हम एक बार सिंपली ऑन करके देखेंगे। पहले जो गाइज शॉर्ट हमारा था, ये सब लाइन हमारी शॉर्टिंग आ रही थी, उसको एक बार पहले कंफर्म करेंगे। यहाँ से मैं जूम आउट करता हूँ वीडियो, और एक बार जो है सिंपली हम पहले जो जो ये कॉइल्स वगैरह हमारा शॉर्ट आ रहा था, ये लाइन हमारी शॉर्टिंग आ रही थी, उस पर चेक कर लेते। तो इसको हम डायोड मोड पे लेके चलते हैं, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे रीडिंग हमारी शो हो रही है, समथिंग 600 के समथिंग रीडिंग शो हो रही है। इधर भी चेक कर लेते, देखो यहाँ पर भी रीडिंग शो हो रही है। अगर बैक साइड चेक कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे 0.02 करके आ रहा, मतलब ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर की जो शॉर्टिंग है गाइज वो प्रॉपर निकल चुकी है, ठीक है। और देखो गाइज डीसी मशीन के ऊपर एक से एक जो वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है यार, आपका हो गया कि नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग भी नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके की शॉर्टिंग है। अभी क्या है, देखो शॉर्टिंग इसके अंदर थी फोन के अंदर, शॉर्टिंग हट गई है। और एक बार यहाँ पे हम सेट को ऑन करते हैं सीधा आपके सामने बिल्कुल लाइव। तो देखो भाई जैसे मैंने सेट को यहाँ पे ऑन किया, तो ये जो सेट है वो यहाँ पे देख सकते हो ऑन हो चुका है हमारा, जो कि पहले बिल्कुल ही डेड कंडीशन में सेट मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ था। देखो भाई जो भी चीज़ें हुई बिल्कुल लाइव हुई है आपके सामने में, ज़्यादातर मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें हो वो लाइव हो। देखो ऐसी प्रॉब्लम थी, कैसी प्रॉब्लम थी, जो भी हुआ वो आपके सामने हुआ है। आपको लगता है सर आपको मालूम है कि शॉर्टिंग की तरीके की, मतलब इस तरीके की जो शॉर्टिंग आती है वो ज़्यादातर फाइंड करना मेन ज़रूरी होता है। तो देखो डीसी मशीन के ऊपर जो आपकी सारी प्रॉब्लम फाइंड हो जाती है, ज़्यादातर जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपका जो डीसी मशीन है वो हेल्प कर देता है गाइस, ठीक है। देखो एक कैप के वजह से ये शॉर्ट था, और ये फोन यहाँ पे हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। और यहाँ पे जो कैप मैंने निकाला है उसको मैं अभी लगा दूंगा गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो रहा है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा ऑन होने का भी वेट कर लेते, देख लेते सेट हमारा कंप्लीट ऑन होता है या नहीं होता है। तो अभी गाइस देखो, देखो यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो चुका है। लाइट इसकी कम है तो यहाँ से मैं लाइट को बढ़ा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो चुका है गाइस, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है गाइस ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।